नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ खास सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। हाथरस हादसे पर यूपी के सीएम योगी का पहला एक्शन, एसडीएम सीओ समेत 6 अफसर हुए सस्पेंड। अब भगदड़ केस की सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। विराट कोहली के बेंगलुरु में स्थित रेस्टोरेंट के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। लेट नाइट तेज आवाज में म्यूजिक बजाने का लगा है आरोप। इसके अलावा भी कई पब्स के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट जारी, स्कूल कॉलेज हुए बंद। मुंबई यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं टली, तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का टुकड़ा गिरा। इसके अलावा असम में अब तक बाढ़ से 85 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर जारी, लखीमपुर में डूबे 100 गांव, तो वहीं अयोध्या उफान पर सरयू नदी। दिल्ली को नेपाल से जोड़ने वाला हाईवे हुआ बंद। यूपी के हरदोई में हुआ बड़ा सड़क हादसा, ब्रेक फेल होने से सड़क किनारे बनी झोपड़ी में घुसी बस, 4 लोगों की हुई मौत, 6 लोग गंभीर घायल। दिल्ली में ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का हुआ भंडाफोड़, अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर महिला डॉक्टर समेत 7 आरोपी किए गए गिरफ्तार। 5 लाख में लेकर 30 लाख में बेचते थे किडनी, विदेश से जुड़े थे तार। जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर टूटकर गिरी पूरी पहाड़ी, मार्ग के दोनों ओर फंसे हजारों यात्री। आज सोने की कीमत में गिरावट रही, तो वहीं चांदी हुई महंगी। आपको बता दें, गोल्ड 292 रुपए घटकर 72,454 पर आया, तो 1 किलो चांदी 91,892 रुपए पर हुई। बात करें शेयर बाजार की, तो निफ्टी ने 24,437 का ऑल टाइम हाई बनाया, इसमें 100 अंक से ज्यादा की तेजी रही। वहीं सेंसेक्स 300 अंक चढ़कर 80,250 पर कारोबार कर रहा। पतंजलि ने 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री पर लगाई रोक, सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी जानकारी। बता दें, उत्तराखंड सरकार ने इनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किए थे। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश जारी है। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसी सिलसिले में दिल्ली में हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के लिए महिला नेताओं के नामों की भी चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार फिलहाल सीएम नायब सैनी ही संभाल रहे हैं। वहीं भाजपा प्रभारी व सह प्रभारी और विधानसभा चुनाव प्रभारी सह प्रभारी की नियुक्ति के बाद अब कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय किया जा रहा है। बताते चले कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए सह चुनाव प्रभारी जहां जिलों के दौरे पर निकल पड़े हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी संवाद की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री सैनी सोमवार को चंडीगढ़ में कई बैठक करने व आम लोगों से मुलाकात करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष नाम पर चर्चा भी जोर पकड़ रही है। वहीं नई दिल्ली में चुनाव प्रभारी व सह प्रभारी के साथ सीएम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रांतीय संगठन मंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा की बैठक हुई। फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार मौजूद है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा में हिसार के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। दरअसल जहां हांसी में उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत उस समय असहज हो गए जब उनके मंच पर व्यापारी नेता राम अवतार तायल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ कर दी। साथ में ये भी बता दें कि व्यापारी नेता हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ मौजूदा भाजपा सरकार से खफा है। उनकी भड़ास उन्होंने राव इंद्रजीत के सामने निकाली। वहीं ये भी बता दें कि हांसी में अनाज मंडी एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे। इस पर जब केंद्रीय मंत्री से सवाल किया गया, तो वह असहज हो गए और उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, आप सबने स्टेज पर सुना ही होगा, मेरे से क्यों कहलवा रहे हो। इतना कहते हुए राव इंद्रजीत चलते बने। यह मामला हांसी शहर में सुर्खियों में रहा। वही इसको लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने एक्स पर पोस्ट भी किया, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा, आज गैरों की महफिलों में भी ये चर्चे हैं, विकसित हरियाणा चाहिए, सुरक्षित हरियाणा चाहिए, तो फिर से हुड्डा जी का आना चाहिए। वेट घोटाले मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, प्रदेश के 14 स्थानों पर छापेमारी। हरियाणा में ईडी ने वेट घोटाला में बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 स्थानों पर छापेमारी की है। दरअसल ईडी के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय द्वारा ये तलाशी अभियान चलाया गया है।
आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के 3 सिविल सेवा अधिकारी और कुछ अन्य निजी व्यक्ति के नाम शामिल हैं, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। वहीं हरियाणा में परिवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 स्थानों पर छापेमारी की है, जो छापेमारी वेट घोटाले के सिलसिले में की गई है। छापेमारी की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इन स्थानों पर हरियाणा सरकार के 3 हरियाणा सिविल सेवा अधिकारी और कुछ अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं। साथ में ये भी बताते चले कि ये ईडी के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अब विद्यार्थी बस से हरियाणा रोडवेज की बसों में 150 किलोमीटर तक मुफ्त सफर कर सकेंगे। दरअसल हरियाणा की भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणाएं कर रही है। सरकार ने जनता का लुभाने के लिए बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। वहीं सरकार के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने मंगलवार को बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश के विद्यार्थियों के बस पास सुविधा को बढ़ा दिया है। अब छात्रों का रोडवेज की बसों में बस पास 150 किलोमीटर तक मान्य होगा। ऐसे में छात्र अब 150 किलोमीटर तक मुफ्त का सफर कर सकेंगे। इससे पहले बस की सुविधा केवल 60 किलोमीटर थी। बताते चले कि इससे पहले हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 10वीं और 12वीं में 60% नंबर पाने वाले हर स्टूडेंट का हैप्पी कार्ड बनवाने की सुविधा दी है, जिससे निजी स्कूलों के बच्चों को फायदा रहेगा। प्रदेश सरकार शिक्षा का स्तर और मजबूत करने में लगी हुई है। इसके तहत छात्रों के लिए नई योजनाएं और सुविधाएं लागू की जा रही हैं। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद जिले की है, जहाँ असिस्टेंट टैक्सेंस ऑफिसर अशोक कुमार मीना के सहयोगी को एसीबी टीम ने 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल बताया जा रहा है कि आरोपी ने इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ कमी के चलते रिश्वत की मांग की थी। साथ में ये भी बता दें कि जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने पलवल में एसीबी को शिकायत दी थी कि इनकम टैक्स रिटर्न में हुई खामियों के चलते 7 लाख की रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसकी शिकायत के आधार पर जिसमें से पहली किस्त 3 लाख रुपये एटीओ का गुर्गा नेशनल हाईवे 19 पर स्थित पृथला पुल के नीचे से ले जा रहा था। वहीं मौके पर पुलिस एसीबी की टीम ने आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर एनआईटी 4 स्थित इनकम टैक्स के ऑफिस से सोमवार की देर शाम एटीओ अशोक कुमार मीणा को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। फिलहाल इस मामले में अभी एसीबी की टीम की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। आधिकारिक पुष्टि के बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस के हाथों से 3 साल से फरार चल रहा 10,000 का इनामी बदमाश को पलवल जिले के हतीन सीआईए की टीम ने गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश पुलिस को सौंप दिया है। बता दें कि सीआईए की टीम ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने आरोपी को भोपाल मध्य प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल हतीन क्राइम ब्रांच इंचार्ज दीपक गुलिया ने बताया कि उनकी टीम को जानकारी मिली थी कि भोपाल मध्य प्रदेश पुलिस की गिरफ्त से एटीएम कटर की वारदात में 3 साल से फरार चल रहा 10,000 रुपए का इनामी भगोड़ा बदमाश तंजूर हुसैन जिला पलवल के सापंकी गांव में है। उन्होंने टीम का गठन कर मौके पर दबिश देकर आरोपी को दबोच लिया। बताते चले कि आरोपी पर साल 2021 में चोरी, संपत्ति नुकसान एवं गृह अतिचार धारा एटीएम कटर वारदात के संबंध में थाना क्राइम ब्रांच भोपाल में मुकदमा दर्ज है, जिसमें आरोपी को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। वहीं गिरफ्तारी के बाद हतीन क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम को सौंप दिया है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।